मैं डॉक्टर मनोज सोबती, को चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी IMA पंजाब, बता रहा हूं कि कल सारे आज डॉक्टर आज सभी जो आप हड़ताल पे जा रहे हैं, क्या कारण है? आज हम हड़ताल के इसलिए जा रहे हैं कि जो ये बिल आ रहा है, एक बिल गवर्नमेंट ला रही है, उसका नाम है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये गवर्नमेंट वन साइडेड ला रही है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई निगोशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं की। वी आर मेन, इसके हम मेन स्टेक होल्डर्स हैं। 80% जो प्राइवेट डॉक्टर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सो इसका प्रॉब्लम इसकी ये है कि इट्स एंटी पीपल, एंटी पब्लिक, एंटी पुअर एंड एंटी डॉक्टर्स। एंटी पुअर इसलिए है कि अगर ये बिल आ जाता है तो उसके हिसाब से, कि वी आर डूइंग इस बिल के हिसाब से हम काम करते हैं, तो पेशेंट की रनिंग हॉस्पिटल रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाएगा। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो पुअर ही होते हैं, वो आगे पहले नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड ही रहेगा। तो और दूसरी बात यह है कि अगर छोटे नर्सिंग होम अगर ये बिल के हिसाब से चलेंगे तो वो छोटे नर्सिंग होम तो बंद ही हो जाएंगे। तो एक एक तो ये है, एक पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो हम डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले, हमारे पास ऑलरेडी ऊपर 43 बिल्स हैं। जैसे हमारे कंट्रोलिंग बॉडी है, पंजाब मेडिकल काउंसिल है, फिर MCI है, फिर वो अपने पोल्यूशन बोर्ड है, कंज्यूमर फोरम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। सो ऑलरेडी हमारे पास इतने बिल हैं कि हमारे को ये बिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल गवर्नमेंट वन साइडेड लगा रही है, तो इसलिए हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप आज पूरा दिन OPD और एमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे पूरे आज पंजाब में? आज और हम कितने कितने हॉस्पिटल हैं और कितने आज डॉक्टर हम सारी टोटल एमरजेंसी, टोटल OPD सब कुछ बंद करेंगे शाम को 8 बजे तक। पंजाब में रफली हमारे 1500 कैडर डॉक्टर का कैडर है जो IMA का है। जी? उसके बिना हम बाकी डॉक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज में हैं, स्टूडेंट्स हैं, PCMS वाले हैं, वी विल ट्राई टू इन्वॉल्व देम आल्सो। तो वी विल मेक इट ए कम्प्लीट शट डाउन। तो हॉस्पिटल कितने होंगे पूरे पंजाब के प्राइवेट? हॉस्पिटल रफली ये होंगे अप्रॉक्सीमेटली हॉस्पिटल 2500-3000 के आसपास होंगे तो हॉस्पिटल। इससे सेवाएं जो होगी बाधित है एक दिन के लिए, क्या लगता है पेशेंट को दिक्कत आएगी या वो हम समझते हैं, वो हम तो करना नहीं चाहते थे, बट लेकिन वी हैव बिन कंपेल्ड क्योंकि ये गवर्नमेंट ने वन साइड ऑडियंस ले आई है और इसको अब ये असेंबली में पास कराना चाहेंगे। सो वी वेयर कंपेल्ड, वी हैव सिम्पथी विद द पीपल, बट हमारे पास कोई और चारा नहीं था। बिकॉज हमने 3-4 मीटिंग्स की हैं पहले, गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया, बट देखो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सो हम तो ये लास्ट रिजॉर्ट है हमारा, इसीलिए हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कोविड का सीजन चल रहा है सर, उसमें भी हमने ये आपने गवर्नमेंट को कहा था, जो हमारी मीटिंग हुई थी पिछली बार HM के साथ और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ, हम उनको बोला था कि ये जो बिल आप इस टाइम पे लगा रहे हो, ऑलरेडी डॉक्टर्स वो पहले स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम तो स्ट्रेस में हैं, हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है, वर्किंग टफ हो गई है, तो वी आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। सो गवर्नमेंट को तो चाहिए ना था कि इस टाइम पे जो बिल लाता, अगर जो लाना ही था तो थोड़ी देर वेट करते, हमारे को निगोशिएशन में लेते, हम बताते कि इसको थोड़ा जो भी है, शुड बी बोथ वे, इट शुड बी गुड। तो इंस्पेक्टरी राज आपको लगता बढ़ेगा इससे, इंस्पेक्टर राज तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, आपको पता है जैसे पहले एक्ट लगे हुए एंटरप्रेंस हो हैं जाएगी, वो तो बिल्कुल ही इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। वो तो सरकार की एंटरप्रेंस हो जाएगी सरकारी डॉक्टरों सर, जो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं अभी तक तो हमारा, वी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इसमें सरकार की टोटल इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो अगर आप इसके बाद वो सरकार नहीं मानी तो आगे क्या स्टेप होगा? इसके बाद हम जो अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसको हमने मतलब हमारे कैडर ने उनको एम्पावर किया हुआ, वी विल हैव ए मीटिंग एंड देन वी विल एक्सेलरेट द एजुटेशन, हम बढ़ाएंगे उसको।